मान गए सर, लड़की हासिल करना तो कोई आपसे सीखे। नहीं शुक्ला, नहीं, इस बार मामला थोड़ा पेचीदा है। ये लड़की मिडिल क्लास की है ना? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आप जानते हैं कि लड़की एम्बिशियस है, नाम और शोहरत कमाना चाहती है। You're right, शुक्ला, और उसका ये सपना मेरे अलावा कौन पूरा कर सकता है? Yes, you're right. शुक्ला, मैं जा रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर मेरी उसकी मीटिंग है। Bye bye. Take care. All the best, sir. You are a lucky man. Luck नहीं शुक्ला, इसे हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात है शुक्ला जी? मॉर्निंग सर। सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाओ, एक अर्जेंट मीटिंग करनी है। सर इस वक्त एनी प्रॉब्लम? सर मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स थी, वो तो कैंसिल कर दो, बड़े पापा रोज रोज थोड़ी ऑफिस में आते हैं, राइट पापा? ठीक है सर, मैं सब कुछ अरेंज करके वापस आता हूँ, आप बैठिए। गुड। सिद्धार्थ, यू वेस्टिंग टाइम। देखो भूषण, आई लव टू सी यू इन ट्रबल, जल्दी, बड़े पापा को टाइम नहीं है। भूषण जी। पापा। हेलो, मैं आ गया। तुम? आई एम सॉरी, आई एम लेट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नौकरी मैडम, नौकरी, भाभी पेट, यू नो हाउ इट इज, ड्यूटी, ड्यूटी, ड्यूटी। सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ साहब कहीं और ड्यूटी कर रहे हैं, और आप जैसी ब्यूटी की ड्यूटी करने के लिए उन्होंने मुझे भेज दिया है। योर सिंसियरली। क्या आप बता सकते हैं कि वो कब आएंगे? वो अभी आते ही होंगे, तब तक मैं हूँ ना। देखो तुम मेरा मूड और खराब मत करो, मैं वैसे ही बहुत गुस्से में है। मैं समझ गया, गुस्से में। ठीक है, मैं आपका मूड और खराब नहीं करता, मैं हिसाब कर लेता हूँ। वो क्या है सीमा, आदमी रोज का रोज हिसाब करता रहे ना, तो पैसों की बहुत बचत हो जाती है। यू नो, 100 रुपए के पॉपकॉर्न, 400 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए के फूल। एक मिनट। हाँ, 200 रुपए के फूल? हाँ। ये सड़े हुए फूल? हाँ। अच्छा लूट रहे हो अपने बॉस को। मैडम मैडम मैडम, इन सब चीजों का रेट कार्ड है मेरे पास, और मेरे दाम बिल्कुल फिक्स्ड हैं। ये देखिए मेरा रेट कार्ड, ये 200 रुपए फूलों के, 100 रुपए लड़की के साथ आधा घंटा घूमने के, 10 रुपए लड़की का हाथ पकड़ने के, और 100 रुपए लड़की की ब्यूटी की झूठी तारीफ करने के। और अगर इन सबका बिल 500 रुपए से ज्यादा हो जाए तो एक किस फ्री आपको यहीं पर दूं कि बांध के दूं? देखो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये घटिया सर्विस। कोई बात नहीं, मेरे पास कंप्लेंट बुक भी है, आप अपनी शिकायत इसमें दर्ज कर सकती हैं। यहाँ प्लीज राइट, लिखे राइट। मैं जा रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर बैठे रहो। बट आई लाइक योर कंपनी। आई डोंट केयर। अरे अरे रुके दो, अरे सुनिए तो। कह देना मैं चली गई। मैडम। सीमा प्लीज, सीमा सीमा सुनो तो सही, मुझे पता है मेरी गलती है, आई एम सॉरी। वो बात नहीं है सिद्धार्थ, हंसने हंसाने के लिए ठीक है राहुल की कंपनी, पर मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शादी के बाद भी तुम ऐसा ही करोगे? शादी नहीं, मेरा मतलब है, हाँ हाँ, नहीं, कभी नहीं, नेवर नेवर, नहीं नहीं, मेरा मतलब है आज के बाद तुम्हें शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा, इट्स अ प्रॉमिस। हाँ हेलो, हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलो ना। कल तुम ही आओगे ना? हाँ कल मीटिंग में मैं ही आऊंगा, मैं राहुल को नहीं भेजूंगा। ओके सुनो, फोन रखने से पहले तुम कुछ फोन रखने से पहले तुम कुछ कहोगे नहीं? Yeah. कुछ भी, समथिंग नाइस। क्यों नहीं, तुमसे नहीं कहूंगा तो फिर किससे कहूंगा? आई लव यू डार्लिंग, बाय। देखा ना, फोन कट गया। ये बंबई की बरसात और टेलीफोन का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब धोखा दे दे। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? मतलब? मैं तुम्हें खूबसूरत तो लगती हूँ ना? ऑफ कोर्स, बहुत खूबसूरत लगती हो। एक बात याद रखो सिद्धार्थ, आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। जिस दिन ये नजर मुझसे हटकर कहीं और जा ठहरी तो उसका अंजाम जानते हो ना? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो डार्लिंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझ पर? आई लव यू सो मच, और करीब आओ ना। आओ ना। सिद्धार्थ यहाँ पर गाड़ी रोकना प्लीज, एक मिनट। यहाँ क्यों? मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? यहाँ क्या शॉपिंग? मेरी फ्रेंड सूजी है ना, उसके लिए गिफ्ट लेना है। सीमा शॉपिंग तो कल भी हो सकती है। नहीं कल उसका बर्थडे है, फिर वक्त नहीं मिलेगा, प्लीज। सीमा। हाँ। जल्दी आना, बस 2 मिनट में अभी आई।
हाँ मुझे भी अच्छा लगा। सिद्धार्थ आप चलिए, मैं अभी आई। सीमा मेरे साथ है, मुझे लगता है आज मेरा काम हो जाएगा। 3 बजे नहीं, एक काम करते हैं 8 बजे। ठीक 8 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ओके हाय। हाय शुक्ला जी, आई विल कॉल यू बैक। तुम यहाँ कैसे? मैं तो शॉपिंग कर रही थी अपने दोस्तों के साथ। ओह तुम यहाँ कैसे? मैं भी यहाँ शॉपिंग करने आया था। शॉपिंग किसके साथ? वो अपना है ना, क्या नाम है उसका, राहुल। ओह राहुल, अच्छा। ओके सिद्धार्थ मैं चलती हूँ, आज घर जल्दी आना, आजकल तुम लेट आ रहे हो। ओह आई एम सो सॉरी अबाउट इट। आज मैं ठीक 8 बजे घर आ जाऊंगा। और डार्लिंग आज तुम और मैं साथ में डिनर पे भी बाहर जाएंगे, ठीक है? ठीक है। आई लव यू। आई लव यू टू। सिद्धार्थ सिद्धार्थ ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। कफलिंग्स अच्छे पसंद आए? अच्छे हैं, मगर इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं, सिर्फ कफलिंग्स। हेलो हेलो, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है क्या? कमान लेट्स गो। एक मिनट सीमा। सीमा इनसे मिलो, ये मेरी बीवी है। डार्लिंग ये सीमा है। सीमा तुमने तो कहा था तुम राहुल के साथ आए हो। राहुल? हाँ राहुल ही के तो साथ आया हूँ। ये राहुल की वाइफ है। क्या? राहुल की बीवी? राहुल ने कब शादी कर ली? देखो ना डार्लिंग, यही तो, उसने शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं, और शादी के 2 दिन के अंदर इन दोनों का झगड़ा भी हो गया। मैं इन दोनों का पैचअप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल कहाँ है? वो अंदर होगा, शॉपिंग कर रहा है। अच्छा एनीवे आई एम सरप्राइज, डोंट बी लेट। डार्लिंग 8 बजे डिनर। चीमा मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाओ मुझे तुम। लेकिन बॉस, बॉस आपने भाभी से ये क्यों कह दिया कि सीमा मेरी बीवी है? अब आप देखिए इसकी मैं क्या करता। राहुल एक दिन पहले ही शीला ने मुझ पर शक किया, मुझे धमकी दी, और अचानक जब वो मेरे सामने आई तो मुझे कुछ सूझा ही नहीं। राहुल मेरे जहन में जो कुछ भी आया मैंने उसे कह दिया। गलती से मेरे मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया राहुल, अब मैं क्या करूं? देखिए बॉस हाँ, आपने जो ये कर दिया है उसकी वजह से जो, देखो राहुल प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। देखो तुम जाकर सीमा को समझाओ राहुल, उसे समझाओ, तुम उसे कहो कि मुझे एक बार मिल ले, बस फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। राहुल बॉस मैं सबको संभाल लूंगा। बॉस मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ बॉस, लेकिन अब इसमें भाभी जी सीमा ये बॉस इस प्लीज इस झमेले से मुझे दूर रखिए बॉस, प्लीज प्लीज बॉस। आप झमेला तुम नहीं कर सकते हो ना, मत करो। तुम सही कह रहे थे राहुल, मुझे शीला को जाकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा राहुल? क्या हो जाएगा बॉस? ये रुतबा खत्म हो जाएगा ना बॉस। ये क्या कर रहे हैं? अरे बस हो जाने दो बॉस, क्या कर रहे हैं? और मिल जाएगा ये सब कुछ बॉस, ये कैसे बताऊं? कारोबार खत्म हो जाएगा ना बॉस, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी ना शांत, हां ये ऐश-आराम खत्म हो जाएंगे ना, और ये सारा ऑफिस खत्म हो जाएगा ना। हो जाने दो बॉस, अरे बस हो जाने दो इसे खत्म, हो जाने दो बॉस। आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब गुस्सा मत होइए, मैं कहीं का नहीं रहूंगा ना, मैं कहीं का नहीं रहूंगा ना बॉस। रुकिए बॉस, सब कुछ तोड़ दूंगा मैं, सब कुछ तोड़ दूंगा मैं राहुल। और तुम्हारा ये सपना तुम्हारा, ये एड एजेंसी, ये सपना जो हमने साथ में देखा था, नहीं बॉस आप जब सब कुछ खत्म हो रहा है तो इसे भी खत्म हो जाने दो बॉस प्लीज। आप इसकी क्या जरूरत है बॉस, मैं तोड़ दूंगा इसे, खत्म हो जाने दो बॉस। बॉस नहीं बॉस, नहीं बॉस, नहीं बॉस, बॉस नहीं, हट जाओ राहुल, मैं इसे तोड़ दूंगा प्लीज बॉस। नहीं बॉस राहुल हट जाओ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, हट जाओ तुम। नहीं बॉस नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा बॉस, बॉस प्लीज आप गुस्सा मत होइए बॉस, प्लीज ये छोड़ दीजिए बॉस, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, मैं हूं ना आपके साथ बॉस, मैं हूं ना, आप रिलैक्स कीजिए, आप यहाँ बैठिए, बिल्कुल घबराइए मत बॉस, मैं हूं ना, मैं
मैं सीमा से बात करूंगा बॉस, मैं सीमा से बात करूंगा ना बॉस। आप गुस्सा मत होइए, आप गुस्सा मत होइए। राहुल बॉस, कुछ पैसे चाहिए तुम्हें? बॉस पैसे नहीं चाहिए मुझे, आप ये रखिए प्लीज। मैं सीमा शुक्ला साहब, आप बॉस यू जस्ट रिलैक्स, हम कहा पैसे ही। राहुल यस यस बॉस, थैंक यू वेरी मच। यस बॉस थैंक यू। इजी एक्सलेंट, टू गुड सर, टू गुड, मान गए आपको टेरिफ में। देखा ना आपने शुक्ला साहब, ये फॉर्मूला हमेशा काम आता है। इस दुनिया में अगर तुम सच धीरे से बोलोगे तो कोई नहीं मानेगा, और अगर झूठ झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे तो सब मान जाते हैं। पॉइंट इज नोटेड सर। नहीं मिलना है मुझे, नहीं मिलना है, और तुमने भी मुझे धोखा दिया है राहुल। कितने पैसे दिए थे तुम्हारे सिद्धार्थ साहब ने तुम्हें चुप रहने के लिए? नहीं, नहीं नहीं सीमा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो क्या है कि सिद्धार्थ साहब ने, सिद्धार्थ साहब मत लो उनका नाम। सीमा एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुम यहाँ से चले जाओ राहुल, मैं कहती हूँ तुम चले जाओ। सीमा मैं चला जाऊंगा, बस मुझे कुछ नहीं सुन। ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं राहुल तुम्हें लग गया ना? नहीं ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं राहुल खून निकल रहा है, एक मिनट रुक जाओ। I'm sorry राहुल, I'm really sorry, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। I'm really sorry राहुल। सीमा सीमा मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। एक्चुअली तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता। लेकिन राहुल मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? देखो बेहतर यही होगा कि तुम एक बार सिद्धार्थ साहब से मिल लो, इट बी नाइस। क्यों मिलूं मैं एक और झूठ सुनने के लिए? देखो सीमा, जिंदगी की हर बात सिर्फ सच या झूठ नहीं होती, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं जो कभी कभी हमको ऐसी चीजें करने पर मजबूर कर देती जिससे किसी ना किसी को ठेस पहुंचती है। हम सब अधूरे हैं सीमा। देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम एक बार सिद्धार्थ साहब से मिलो, उनको अपनी बात समझाने का मौका दे दो बस, उसके बाद जो तुम्हारा दिल फैसला करे वही करना।